मैं एक छोटा सा पर्सपेक्टिव आपको देता हूँ, ये है क्रेटा जो कि कंसिडर होती है एक SUV। और तो फिर वो क्या है? नहीं ये क्या है भाई? भाई लखनऊ से आने के बाद हम घर पे आके एडिटिंग कर रहे थे और अभी वापस निकल रहे हैं क्योंकि भाई एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में नींद कहाँ आएगी। तो गाड़ी में तो हम बैठे नहीं थे, गाड़ी में एक बार बैठे थे तो अज्जू भाई अपने को अभी राइड देने वाले। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त भाई, कैसा दिखता है? नहीं भाई मैं नहीं चलाऊंगा। अरे नहीं मैं नहीं चलाऊंगा। मैं पीछे बैठूंगा। अरे नहीं मैं नहीं चलाऊंगा भाई। ओ भाई हाइट इसकी ओ भाई मेरी फट रही है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी यार। हाँ आज आई है गाड़ी। ओ भाई आज अपनी है भाई, अपनी तो है, तभी तो डर लग रहा है। और नहीं नहीं कोई दिक्कत ना। ओ भाई क्या भाई, कसम से ना यहाँ पे बैठ के ना ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से ना छत पे चढ़ के बालकनी में चढ़ जाऊंगा। हाँ मेरे बालकनी का छत और इसका छत ना ऑलमोस्ट सेम सिमिलर हाइट पे, मतलब ऊपर चढ़ के ना मैं ऊपर छत पे कूद सकता हूँ। कभी बचा भी ना हो तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ यार देखो भाई, इसके तो ऑप्शन समझने के लिए ना वैसे ही है, बहुत टाइम लगेगा ना। बहुत टाइम भाई, ये प्यार लगता है देखो, ऐसे लगा दिए। हाँ अरे ये सीखे ना, ये मैंने कहा टीम देखा था, मैंने कहा भाई होएगा तो जब ही ले गए फिर ना ले, ये चीज वाली मजा है। अच्छा इसके अंदर ना ये लाइट का जो सिस्टम है ना, हां ये भी मेरे को अच्छा एंबिएंट वाला, ये भी समझ नहीं। ये अभी वाइट है ना, वाइट चल रहा है, वाइट है, इसमें कलर है गाइस बहुत सारे। हां व्हीकल कैबिन भाई, ये तो पूरा आईपैड है। हां आईपैड है पूरा, देखो इसमें एक कलर है। हां ये ओए होए भाई कसम से, और वैसी जगह डिफेंडर लिखा दिखता है। एग्जैक्टली वही तो डिटेलिंग, कितना माइन्यूट डिटेलिंग है ना कि लाइट ऐसा पड़ रहा है कि डिफेंडर लिखा हुआ दिख रहा है यार। और हर जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह भाई, हर जगह इधर भी ना देखो। और एक सुनो तो, जैसे क्लब में जाते ना तो ऐसे कैसे रहता है? और भाई बोतल ना ये एक्चुअली फ्रिज है। आपको इसमें ना पूरा इतना ठंडा, ये भयंकर ठंडा है। मैं वहां से चला गया था ना, मैंने भी जब इसमें एक सिंगल है भाई, ये चलते चलते बर्फ में जम जाए, जम जाती है, जम जाती है उस वाली में नहीं थी, इसमें साइड साइड में बर्फ जम रही थी यहाँ पे ऐसे से। ओए भाई साहब ये गजब चीज, ये चीज ऐसी है कि ट्रिप के लिए बनी है। गर्मियों में अगर आप राजस्थान जा रहे हो, भयंकर ठंडी भी यार। ओ अंकल आंटी का रिएक्शन कैसा था पहले ये बताओ। मतलब आपको नुकसान होगा, यू ठीक है अब गए। बहुत बड़ी गाड़ी है ना भाई, वो चेहरे पे ना वो जो स्माइल थी ना, मतलब आंटी अंकल एक टक से देख रहे थे, मतलब वो जो प्राउड वाली फीलिंग जो आती है यार। एक तो इतनी अच्छा ये टच है ना, सर एक बार दिखाओ, एक बार थोड़ा ऐसे, ये इस एक एक यहाँ टच से ना पूरी कैबिन की लाइट ऑन हो जाती है। मतलब पैसे वाली बात करे तो भाई मैं कह रहा था हनी से, हाँ मैं कह रहा यार हनी मत खड्डे फील हो रहे, कह रहा था भाई 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है तो हर खड्डे में 1 लाख रुपए फेंकती चल रही है। ये सही है भाई, सीरियसली उस दिन मेरे को ना इसको चलाने में ना थोड़ा सा डर लग रहा है, उस दिन उसकी गाड़ी चलाने में डर नहीं लग रहा था। नहीं नहीं वही तो, यही तो प्रॉब्लम है कि मेरी गाड़ी है इसीलिए तो डर लग रहा है। ओ भाई क्या ऐसे ना, पता नहीं आई डोंट नो कि कैमरा कितना जस्टिस करेगा, पता नहीं लग रहा सीरियसली, बिल्कुल पता नहीं लग रहा। अगर RPM नहीं देखो ना कि यहाँ पे एक पे आपका सुई हल्का सा आया हुआ है तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई गाड़ी स्टार्ट हुई है। इसका जो ये ना ये अभी लेटेस्ट वाला है। अच्छा ये जो डायल है मतलब इसका स्क्रीन जो है ना अपने, ये देख रहे हो गाने देख रहे हो, बदमाश छोरा। अच्छा जो ये डायल है ना, हाँ ये अभी आया है, ये तो कस्टमाइज भी होता है ना। कस्टमाइज तो इंडिया में पहली बार आया, मतलब ये अच्छा तो इंडिया में छोटी आई थी।
अच्छा हाँ, ये थोड़ा बड़ा वाला है भाई। इसका जो कलर है ना व्हाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन भाई, ब्लैक अच्छी नहीं लगती पूरी भाई, सीरियसली भाई। मैंने आपको दिखाया था ब्लैक शायद। अरे ब्लैक हमने देखा ना, हम गए थे अंदर, और पता है ब्लैक मिंटी हल्का सा, जैसे इसमें गाड़ी पूरी लखनऊ से आ गई ना, कुछ पता लगा, कुछ नहीं पता लग रहा है बाहर से, आप दूर से देखो तो कुछ नहीं पता लग रहा है। बहुत जबरदस्त भाई, अब चलाओ, चलो प्रेस एंड ड्राइव। हाँ, और भाई इसका कैमरा जो क्वालिटी है बहुत रिवर्स वाला ना, अरे नहीं 360। अच्छा चला के देखो, एक सेकंड आता हूं। ओ भाई ये तो हमने उस पे देखा था ना, ओ हो बगल वाली कैमरा क्वालिटी है जो ये भाई साहब गजब यार, ऐसे ऐसे वीडियो गेम में नहीं खेलते। मैं तो ये व्लॉग ना अनकट ऐसे ही 5 मिनट, मतलब फर्स्ट रिएक्शन यार, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इतनी महंगी गाड़ी में ना कभी बैठ के, कभी स्टीयरिंग सीट, मतलब ये ड्राइविंग सीट पे मैं भी नहीं बैठा। हाँ भाई, ये फर्स्ट टाइम बैठा। ये वो फीलिंग, जो खुशी वाली जो फीलिंग है ना, अभी भी मेरे को भरोसा नहीं रहा। मैंने ऊपर जाके दोबारा झोंक के कि सच में रियल में चूटी काटे, चूटी काटे, वो सच में हो गया कि बंदे की खड़ी तो खाएगा। ओ भाई सीरियसली यार, मतलब ड्राइव पे डाल के ना, इसको ड्राइव पे डाला और माता रानी का नाम लेते हैं कि भगवान ये गाड़ी बहुत ज्यादा तरक्की, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लाए, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लाए, एंड बहुत अच्छे से रहे ये गाड़ी। बोलो श्री अम्बे मात की जय। भाई ये तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि चल भी रही है। हाँ बैटरी की, हाँ ये थोड़ा सा ना, कोई नहीं जान दो हल्का फुल्का। हाँ हाँ यार, ये बैटरी जैसी बिल्कुल आवाज नहीं करती, बिल्कुल वैसी भाई। चंद्रलाल के लिए बड़ी है भाई, ये स्टीयरिंग कितना लाइट है यार, आप तो फॉर्च्यूनर चला के इसको तो ऐसा लग रहा होगा सबसे बड़ा भाई ये। हाँ, और स्टीयरिंग कितना लाइट है इसका, बिल्कुल लाइट, और ऐसा लग रहा है ये क्या निसान की कौन सी गाड़ी, हम तो देखते भी नहीं। स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो, हाँ बिग डैडी ऑफ एसयूवी कौन है जरा बताना। नहीं नहीं जरा बताना, बिग डैडी ऑफ एसयूवी कौन है, तो ये क्या है परदादा। नहीं भाई ये सीरियसली बहुत ही जबरदस्त है, बिग डैडी ऑफ एसयूवी मतलब डेफिनेटली यार, इसका तो ना जवाब तोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है भाई, मिरर से लेके एवरीथिंग। और सारा ना सिस्टम इस चीज है कि सारा ना जो मेन फीचर्स है, जैसे आपको वो ये है ना कि जैसे म्यूजिक का यहाँ हाँ, दे दिया हाँ, कोई ज्यादा टच में जाने की जरूरत नहीं, सारे फीचर्स बटन बाहर क्योंकि ये बनी उस चीज हाँ, के लिए कि ज्यादा अंदर जाने का अलग अलग बटन दबाओ, यहीं से ट्रैक्शन ऑफ, यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो, यहीं से एयर सस्पेंशन उठा सकते हो, कहीं फालतू फंड का चीज नहीं दे रखी, जो चीज यूज में है वो दी है। अच्छा आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बार अंडर पासेस पे ना वो हाइट वाला ये रहता है तो भाई सच में, अभी हम फरीदाबाद से आ रहे थे, हाँ। मैंने ना चलती मैंने यार एक बार पूरी लो लाई हाइट पे करी, मैं कहा यार हो सके क्या पता हाँ। छत को ले जाए वो। हाँ ओ भाई, मेरे तो घर के पास चंद्रताल खुद है ना, गजब ही फील है यार। और इसका लाइट कितना अच्छा है यार, लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, और स्पीड में बढ़ते ना तो ऐसा लगता है कि हाँ फील थोड़ी सी बूस्ट मार रहा है भाई, तब मैं समझ रहा था ना कि 200 कैसे भाग रही थी ये। ओ भाई हाँ ना, हाँ, टेल देखो भाई, ये तो हाथी है, हाथी को चारा तो देना पड़ेगा। इसमें इसने खाया था वहां से लेके यहाँ तो 60 लीटर, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है यार, अगर एवरेज निकालना रहता तो आप मारती 800 तो है ही आपके पास, हाँ स्विफ्ट है, तो वो एवरेज के लिए, ये परफॉर्मेंस के लिए यार। और मान लो यार इसमें चली थी 546 है ना, 500 के आसपास चली थी, और इसने खाया था 70 लीटर, 70 लीटर तेल 500 पे, और लेकिन हम चला भी तो तेज रहे थे, बहुत तेज रहे थे यार, और पेट्रोल तो ये सीन है कि आप एक बार पूरा पंच दरो तो उतने हिसाब से खाए। एग्जैक्टली, बट जो फील दे रही थी वो फील प्राइसलेस, जैसे वैसे पंजा दर्द था ना पीछे से बैठते थे, हाँ 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 वो फीलिंग जो है ना वो प्राइसलेस है। 100 से ऊपर जाने के बाद भाई ये फील क्यों नहीं हो रहा है मेरे को यहाँ पे गड्ढे, हाँ वो कैमरा देख के आपको समझ में आ रहा है, कभी थार में देखना, कभी मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखना जो थार वाले ना, वो इसमें कैमरा ऐसा हिलता है ऐसे ऐसे भाई सीरियसली। और अभी फुल हाइट पे ना थोड़ा सा, अच्छा अभी हाइट फुल है, हाँ फुल हाइट है, इसको कम कर देते हैं भाई, इसका तो सबसे कम हाइट भी फुल हाइट लगता है ना ये, हाँ कितनी बड़ी है ना इसमें हाथ पैर दोनों लगा के चढ़ना पड़ता है ना, वो बाउंड्री पे नहीं चढ़ते जैसे, और सही रहा मैंने फुटरेस लगा लिया, हाँ ना सही था ना, ये तो देख दिया इधर फॉर्च्यूनर में यहाँ ना, हाँ हाँ पकड़ के चढ़ रहा था मैं कि कहाँ गए भाई, वो बचपन में स्कूल में ना स्कूल छोड़ के जो भागते थे बाउंड्री फान के ना, जो कूदने का प्रैक्टिस है ना इसमें काम आएगा। और भाई सबसे मेन चीज इसमें दोनों साइड दोनों तरफ वो है
मेमोरी शीट्स हैं और हाँ मैंने देखा मेमोरी 1 2 3 इधर भी आ गया उधर भी आ गया। अभी तो इसके पूरे फीचर्स समझने में आपको बहुत बहुत हाँ वो तो टाइम लगेगा। आज एक्चुअली डिलीवरी भी मतलब एक्चुअली हम आज ही डिलीवरी देखो उनसे पूछा हाँ? उन्होंने मेरे को बोला देखो सर इतने फीचर्स हमें भी नहीं पता हाँ, आप खुद देख लेना सर ये लो फोर है यहाँ हाँ? से लगता है सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है कह रहा सर देखो आप देख लेना क्योंकि वहाँ पे एक तो भीड़ बहुत हो रही थी हाँ। बट भाई सीरियसली आप देखो मैं 30 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब रात का टाइम है और मैं 60 पे अगर करूँ ना तो ये तो आपको बिल्कुल स्टेबल लगेगा और पिछले 10 मिनट से मैंने कैमरा हाथ में ओ रोड बंद ये तो चली जाएगी भाई फिलहाल मैं गोल्फ कोर्स रोड पे और सीरियसली यार मतलब अब मैंने तो ज्यादा नहीं चलाया थोड़ा सा बहुत हल्का हल्का लेकिन ऐसा ना फील ही नहीं हो रहा है कि गाड़ी एक्चुअली ऑन भी है। बगल से ना एक दूसरी गाड़ी गई तो मुझे ऐसे करके देखना पड़ा हाँ कौन ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा बिल्कुल भी नहीं मतलब आप एक्चुअली जब वीडियोस या फोटोग्राफ में देखते हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया जब आप सामने इस गाड़ी के खड़े होते हो ना तब आपको पता चलता है और ये फुल हाइट पे हो भाई तब पता चलता है। हाँ ये पीछे ऑटो दिख रहा था कहीं दिख रहा होगा वीडियो में मतलब उससे ज्यादा बड़ी लगती है भाई मतलब ऑटो नहीं है बट हाँ टेम्पो जैसे 407 नहीं होता एग्जैक्टली 407 है रिफाइंड 407 पंजा हल्का सा पंजा धरो और भाई ये भाग जाती है मतलब खतरनाक बूम मतलब रॉकेट है ना वो मतलब स्पीड का स्पीड अच्छा कंट्रोल एंड 4x4 की कैपेबिलिटीज मतलब जो इंटीरियर्स आपको पता नहीं इसमें कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है बट अंदर जब बैठते हो ना और एक एक नजर में देखो कैमरे के फ्रेम में ना एक चीज कभी नहीं दिखता है जब आप आंखों से देखते हो ना वाइड एंगल सुपर डुपर वाइड एंगल तब आपको एक हाँ तब आपको दिखता है ओ भाई क्या जबरदस्त चीज है यार। ये देखो डायल चेंज हो गया मैप एक दो फीचर अजू भाई ने सीख लिया है इतने देर में 600 देखो हर कोई ना गाड़ी डिलीवरी लेके घर आता है 600 किलोमीटर ड्राइव बहुत कम लोगों को मिलता है किस्मत हाँ गाड़ी ने देखी क्या किस कैट लगी तू 200 तो भगा रहा है 600 किलोमीटर तो रुकी नहीं और सीधे एक 3 स्टेट क्रॉस करके गाड़ी आई ना भाई सीरियसली क्या मतलब मजा आ गया भाई आज का दिन इतना अच्छा था ना इतना अच्छा और अभी तक देखो सुबह हम कब उठे कल 600 किलोमीटर ड्राइव करके गए 4 घंटे सो के मतलब आप लोग तो 600 किलोमीटर चला के आए थे 4 घंटे सो के अभी भी वही एनर्जी है पता नहीं मेरी आवाज में कितना लग रहा है नहीं लग रहा है बट भाई मतलब एनर्जी लेवल कम नहीं है भाई वर्थ इट है ना वेट वर्थ इट है जो होता है अच्छे के लिए होता है ना तो बच्चे के लिए होता है और सबसे मेन चीज है कि जो अपने को नहीं चाहिए थी हाँ वो अपने को मिल गई एग्जैक्टली और नहीं जा रहे थे हम टॉप मॉडल पे नहीं जा रहे थे डायनामिक मिल गई हमको एग्जैक्टली जो तो इसीलिए माता रानी जो करती है अच्छे के लिए करती है ये सारा मोड्स ना ऑफ रोड मोड्स और ये भाई ये पूरा टैब है मतलब इसमें इतनी सारी चीजें है ना ये पूरा का पूरा टैब है ये क्या सिस्टम है भैया अच्छा ये हवा का फ्लो है हाँ किस तरफ से कहाँ से है एसी लाइट पता नहीं क्या क्या है यार ये तो आपको पूरा समझना पड़ेगा पता ना मेरे को समझ में आया जब तो ड्राइविंग स्टाइल का कुछ ऑप्शन है एनर्जी इम्पैक्ट्स बट पता है क्या आज ना हमने इतनी तेज लेके आया ना इस वजह से आपको टेल ज्यादा लगा अदरवाइज ये गाड़ी नहीं है पहली दूसरी सर्विसिंग के बाद ना नॉर्मल इतनी तेज एवरेज दे देगी बहुत है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी में आप एवरेज एक्सपेक्ट मत करो आप इसको परफॉर्मेंस के लिए ले भाई हम अगर फॉर्च्यूनर को पूरी तरह से भगाते हैं उसकी एवरेज 10 पे आ जाती है 10 मेरी 10 दे रही थी मेरी 10 दे रही थी हां बिल्कुल अगर हम उसको प्यार से चलाते हैं वो 14-15 देती है एग्जैक्टली आपके ऊपर ड्राइवर के ऊपर बात होती है कि वो क्या लेना चाहता क्या नहीं एग्जैक्टली और आज तो हमें एक्साइटमेंट भी था ना घर में सबको दिखाना है घर में सब वेट कर रहे थे हाँ और जब लगता है ना कि तेल फूक रहा है तो बंदे पंजा अरे नहीं मतलब दिस वाज जस्ट द फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ये एकदम रॉ मैंने मतलब जो एक एग्जैक्ट इमोशंस थे ना तो एग्जैक्टली वैसा ही हमने बताया आपको कि एग्जैक्टली कैसे इमोशंस है अब भाई एकदम ही अलग है यार एकदम ही अलग है हाँ ना कंग्रेचुलेशन सो मच अजू भाई हाँ ये गाड़ी आपको बहुत बहुत तरक्की दे हाँ। मैं एक छोटा सा प्रस्पेक्टिव आपको देता हूँ ये है क्रेटा जो कि कंसिडर होती है एक SUV और तो फिर वो क्या है नहीं ये क्या है भाई आप देखो उससे मिलना है मेरे को करंट से हाँ भाई आप देखो क्या डिफरेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर पोजिशन पे खड़ी है गाड़ी का लेंथ मतलब ये और हाइट देखो भाई जहाँ क्रेटा का टेल लाइट है ना वहाँ इसका ना बॉर्डर ये वाला ये लाइन आ रहा है आप समझ जाओ पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है बहुत ही ज़बरदस्त अजू भाई इधर कर दो गाड़ी ना हाँ ऐसे नहीं कर सकते आप तो इसको प्रॉपर
मतलब हर एक चीज। भाई क्रेटा कहाँ गई? भाई क्रेटा कहाँ गई? स्विफ्ट खड़ी करो, स्विफ्ट पता नहीं लगता। अच्छा इधर है। ओ भाई। अब बहुत लोग प्लीज इससे ऑफेंड मत होना, स्पेशली हुंडई और क्रेटा ओनर्स, बिकॉज दोनों डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी है, बट एक प्रस्पेक्टिव दे रहे थे कि एग्जैक्टली ये गाड़ी कितनी विशाल है यार, विशाल जिसको कहते हैं ना, एग्जैक्टली वैसी है। अब यहाँ पे क्रेटा खरी थी तो क्रेटा, अगर फॉर्च्यूनर भी इसके सामने ना छोटी ही लग रही थी भाई, फॉर्च्यूनर भी ऐसी लग रही थी बच्ची है। कुछ नहीं भाई, एक मिनट खड़े रहो, सामने खड़े रहो। आपकी हाइट कितनी है? 5'8" मेरी 5'10 है। एक बार खड़े रहो, 5'10 एक बार। इधर अज्जू भाई इधर खड़े रहो ना, क्या अच्छा अच्छा भाई भाई अब हमारे पास आ चुकी है एक फॉर्च्यूनर, ठीक है। तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे खड़ी है, क्योंकि वो तीनों की तीनों ना वहाँ पे जो आपको लाइन दिख रहा है ना उससे खड़ी है। अब देखो क्रेटा से बड़ी है फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर से भी बड़ी है ये। मतलब अब फॉर्च्यूनर आ गई तो एक प्रस्पेक्टिव आपको दिखा रहे हैं, ये पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, बट आप सीरियसली हाइट देखो यार, हाइट लेंथ कुछ भी देखो यार। मतलब बिग डैडी अगर किसी को कहते हैं ना तो फिर हाँ इसका नाम होना चाहिए था बिग डैडी, इसका नाम डिफेंडर ही काफी है, तो कहते हैं ना नाम ही काफी है। और जी ये अप्रोच डिपार्ट पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं ना, ये इसके इन्फॉर्मेशन में भाई अलग अलग चीजें ही दिखा रही है, तो समझना पड़ेगा इसको, समझना पड़ेगा, इसमें काफी टाइम देना पड़ेगा। सीट का क्या ऑप्शन है इसके अंदर? सीट हीट। अच्छा ये कूल कूलिंग कर है, ये वेंटिलेटेड सीट्स के लिए होगा। -1 माइनस प्लस, हाँ देखो कूलिंग स्टार्ट हो गया, ये वेंटिलेटेड सीट्स है। ये नया पता चला ना, अभी पता लगा यार, अभी पता चला। और हीटेड भी है। हाँ हीटेड भी है भाई, ये वेंटिलेटेड आने लगा ना, हवा ठंडा ठंडा आ गया ना भाई, अभी तक पता ही नहीं था कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी आते हैं, और फाइनली पता चल गया। हाँ यार, और मैं उस दिन यार मैंने गाड़ी में बैठा, पीछे वाली भी है, पीछे वाली भी है, पता नहीं पीछे वाला ऑन करके देखो भाई, ठंडा लग रहा है बहुत। हाँ, तो मजा आ रहा है भाई, ये कैमरा देख रहे हो भाई साहब, क्या जबरदस्त है यार। देखो हल्का सा आपने ब्रेक लिया ना, आप पूरा एग्जैक्टली ना, ये मिरर व्यू आ रहा है, ये देखो इसमें ना लाइंस बने हुए आ गए कि किस एंगल पे मुड़ रही है, कहाँ मुड़ रही है, ये लाइंस बने हुए आ गए। बहुत सारी चीजें है यार इसमें, ये क्या है? अच्छा ये बीप बीप का, ऑफ रोडिंग का सिस्टम है। घूमते फिरते हम आ गए अपने अड्डे पे, पुराने वाले अड्डे पे, यहाँ पे ऐसे। आज भीड़ ज्यादा लग, आज वीकेंड है ना भाई, इससे तो निकलेगी नहीं है, न्यू गाड़ी पे कर रहा हूँ। अच्छा अभी गाड़ी इतनी चौड़ी है ना कि पहले वो वैगनर जो आ रही है वो निकलेगी, फिर हम इसको निकालेंगे, कोई रिस्क नहीं लेना है लाइफ में। हाँ। और इधर देखना अगर ये पब्लिक देखती है ना तो भाई लोग ना इसको ना मुड़ मुड़ के देखते, देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई ना, ये ना। है हाँ, ये है इसका रोड प्रेजेंस भाई, भाई बहुत स्टेबल भागती है यार, क्या स्टेबल भागती है यार, वो नहीं है एकदम से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ब्रेकिंग ऑफ फट से भागती है भाई, पता है डर नहीं लगता इसके अंदर, नहीं बिल्कुल भाई, 140 पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, अगर चल जाते हैं कभी रुक जाते हैं, यो ही है इसी का पैसा है
भाई इसी का बेस्ट है। चलो अजू भाई, हमने तो इसमें ना हीट हीट वाला जो ऑप्शन था ना वो गरम गरम ऐसा दे, नहीं किसी कमर में दर्द हो ना मूव लगा के बैठा दो, तवे पे बैठे हो, सेकने की जरूरत ही नहीं ना, बिल्कुल, और ऐसा लग रहा तवे पे बैठे हैं। बहुत मजेदार भाई, मतलब विंटर्स में तो ना इसमें तो पता नहीं कितने फीचर्स होंगे ना जो ग्रेजुअली एक एक करके। यार भाई सीधी सी बात, हम कंपनी वाले को भी नहीं बताता। हाँ उनको नहीं बताता, उन्होंने मना कर दिया, नहीं सर इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। बट कोई नहीं, हमें पता लगा। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। चलो जी भाई, ओके भाई, मिलते हैं जी, गुड नाइट भाई, ओके बाय बाय, टेक केयर। चलो मानसी भाई, ओके गुड नाइट भाई, गुड नाइट। चलो जी बाय बाय। मजेदार है ना। चलो भाई गुड नाइट। चलो जी बाय, गुड नाइट, टेक केयर।